दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लान के, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डिजाइन होने वाले हैं। अगर आपके पास खेत में जगह है या ऐसी जगह है जहाँ पर आप आसपास कुछ जगह छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। ये मॉडल जो मैंने क्रिएट किया है इसी को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप देख रहे होंगे डिजाइन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और इसका फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो वो भी आपको बेहतरीन से मिलता है। साइड के एलिवेशन की बात करें तो वो भी आपको नॉर्मल ही देखने को मिलता है। अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू आप ऐसा देख पा रहे होंगे। फ्रंट से अगर टॉप व्यू की बात करें तो फ्रंट से आप ऐसा देखिएगा। मैं मैक्सिमम जूम करता हूं इससे और आप चीजें को अच्छे से समझ सके और आपका जो डिजाइन है ये मॉडल आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन है। और इसकी अगर हम साइज की बात करें तो 40x36 फिट में दोस्तों बना है। 40 फिट इसका चौड़ाई है, 36 फिट इसका लंबाई है। इसमें आपको चार पांच कमरे मिलते हैं, 4 से 5 कमरे मिलते हैं, लेट बाथ और वगैरह सारी डिटेल देखने को मिलेगी। तो चलो इसी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, नए नए वीडियो मिलते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको एक बेहतरीन सा लुक वाला डिजाइन मिल सके और आप उसको बनवा सके। तो चलो आज का जो प्लान है सबसे पहले बात करें फ्रंट की, तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए जूम करने पर ये मॉडल आपको कैसा लग रहा है, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें दिखा रहा हूँ जिससे आप चीजों को बहुत ही बारीकी से समझ पाए। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। देखिए यहाँ पर दोस्तों इसकी स्टेयर्स है जिससे आप ऊपर चढ़ेंगे। आसपास मैंने जो एरिया था उसको ग्रीन एरिया बना दिया, कुछ प्लांटेशन कर दिया है। अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये ओवरऑल आपका ग्राउंड फ्लोर जो बनकर रेडी हो जाता है। अगर हम स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर चढ़ते हो ये आपको बारंदा देखने को मिलता है और ये दोस्तों पिलर पिलर पर ये पूरा टिका हुआ है बीम। और ये आपको दो विंडो मिलती है क्योंकि यहाँ पर दो कमरे हैं। इस कमरे को मैंने अलग से कलर कॉम्बिनेशन किया है और इस पर विंडो का भी कॉम्बिनेशन दिया है। और बात करें इधर की तो यहाँ पर भी है। तो जैसे आप बारंदे में एंट्री करते हो तो बारंदे से एंट्री करने के बाद देखिए ये वाला जो बेडरूम था सामने से ये वाला, इस पर आप बारंदे से भी एंट्री कर सकते हैं और इसी बेडरूम से आप अंदर भी जा सकते हैं। या मेन डोर आपका ये है इससे आप एंट्री करेंगे। तो अब जैसा एंट्री करते हैं मेन डोर से तो आप आ जाते हैं आंगन में, जैसे बोल सकते हैं या डाइनिंग हॉल बोल सकते हैं। यहाँ से आपकी प्रत्येक जगह मतलब हर एक घर रूम में आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए पर लेफ्ट हैंड पोर्शन में कवर कर लेता हूँ तो सबसे पहले ही आपको मिल जाती है किचन। किचन की बहुत ही प्रॉपर वेंटिलेशन मैंने दिया है, एक सामने से विंडो और एक साइड से विंडो, दोनों किचन में विंडो दी है। तो ये किचन का पूरा वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से होता है। ये यहाँ पर डोर है किचन के जस्ट बगल में, ये आपका पूजा घर दिया है मैंने। और इसके बाद इस कॉर्नर पर एक आपको बेडरूम से मिलता है जिसके लिए मैंने ये डोर दिया है और इसके वेंटिलेशन साइड से है, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। तो ये एक बेडरूम। इसके बाद ये देखिए आपका लेटन बात मैंने बीच में दिया। अगर आप इसे किसी बेडरूम से अटैच्ड करना चाहते हैं तो अटैच भी कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इसके बाद इन दो कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर उसके जस्ट बगल में भी आपको दो बेडरूम देखने को मिलते हैं। दोनों बेडरूम के लिए अलग अलग डोर दिया है। इधर वाले बेडरूम के लिए, कॉर्नर वाले बेडरूम के लिए मैंने साइड से वेंटिलेशन दिया है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। मैं बात करें इधर की तो ये आपकी स्टेयर्स है जिससे आप ऊपर जाएंगे। स्टेयर्स के नीचे भी एक लेटरन बात मैंने और क्रिएट किया है। मैं बात करें इस वाले कॉर्नर पर तो यहाँ पर भी आपको एक बेडरूम देखने को मिलता है। इसमें आपका एक कलर मैंने दिया था, इसमें आपको एक विंडो इधर से और एक साइड से। तो प्रॉपर इस वाले कॉर्नर का आपको अगर वेंटिलेशन की बात करें तो होता है। इसके लिए डोर मैंने यहाँ से दिया है, इसमें एक ही सिंगल डोर दिया है जिससे आप पूरे घर के एक्सेस कर सकते हैं। तो आपकी अगर बात करें बेडरूम्स की, यहाँ पर 5 बेडरूम है, 2 आगे 2 पीछे। इस एक कॉर्नर पर 2 लेटरन बाथ है, एक किचन है, पूजा घर है, स्टेयर्स है, बारंदा है। तो अगर एक बात करें घर की तो घर में यही सारी चीजें होती है, सब कुछ आपको मिल जाता है। अगर टैंक वगैरह की बात करें तो टैंक आप बारंदे में बनवा सकते हैं। तो फ्रंट एलिवेशन आप देखिएगा कितना खूबसूरत है। अगर आप ये घर बनवाएंगे तो आपका घर भी बहुत ही अच्छे लगने वाला है। तो ये पूरा मॉडल था 40x36 फिट का ग्राउंड फ्लोर। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। आप एक बार पूरा पहले देख लें, सारी चीजें समझ लें जिससे आपको घर बनवाने में प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं लास्ट फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर की। तो ये देखिएगा दोस्तों लास्ट या फर्स्ट फ्लोर पर हालांकि कुछ डिजाइन नहीं किया है, चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल, ये स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बनाया है। और इसके बाद ये बस ग्रिल का यहाँ पर मेन काम आता है। ग्रिल आपकी बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल लग रही होगी। और ये पूरा मॉडल बनकर
रेडी होता है 40x36 फट में। अगर दोस्तों आपको मॉडल पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको अभी से लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। आप एक रेड कलर का बटन आता है इसमें सब्सक्राइब लिखा रहता है, उससे आप जुड़ जाए। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऐसे घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं पेड सर्विस चलाता हूँ जिसमें आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, 50 बाद में, और आपका पूरा घर बनाकर मैं देता हूँ 2D+3D दोनों प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये मॉडल अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स वॉच।